हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विनय और मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही फ़ायदेमंद सब्जी, सूखी मसालेदार अरबी, जिसे इंग्लिश में टैरो भी कहते हैं। और इसकी तासीर होती है ठंडी, इसीलिए सबको सूट नहीं करती है, लेकिन जिनको करती है बहुत ही अच्छी होती है ये महिलाओं के लिए स्पेशली। और जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो और या गैस का प्रॉब्लम हो वो ये ना खाएं। बाकी लोगों के लिए ये विटामिन ए, विटामिन सी, प्रोटीन और इसमें बहुत फाइबर होता है। ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। और तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसी लगी। और प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड प्लीज़ शो योर सपोर्ट फॉर मी। आई एम वर्किंग हार्ड फॉर सिंस लास्ट 3 years। प्लीज़ हेल्प मी रीच माई गोल। थैंक यू सो मच। नाउ वॉच द वीडियो। हाँ फ्रेंड्स, तो ये है अरबी जिसे मैंने बॉयल कर लिया था। इसको मैंने सिम पर 1 whistle लिया था। ज़्यादातर फूड में जो है ना सिम पर ही बनाती हूँ, तो मुझे उसी तरह आदत है। अगर आप हाई फ्लेम पे बनाते हैं तो आप 2 सीटी ले सकते हैं, 2 से 3। मैंने सिम पर, और पानी में आप नमक डालिए अरबी को उबालते टाइम, बॉईल करते टाइम, क्योंकि इसका अपना कोई ब्लेंड टेस्ट होता है इसका। तो थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे तो इसमें अंदर तक सॉल्ट का जाएगा और इसका चिपचिपापन भी कम हो जाएगा। तो आपने देखा कि मैंने इसको प्लेट से प्रेस करने की कोशिश की, पर ये हो नहीं रहा था इतने अच्छे से। ये हाथ से दबा के ऐसे ही प्रेस होगा। और अगर ज़्यादा थिकनेस है अरबी की तो आप बीच में से उसको स्लाइस कर लीजिए और फिर उसको प्रेस कर लीजिए। ऐसा प्रेस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब्जी अदरवाइज पूरी तरह करारी नहीं बनेगी, क्रिस्पी नहीं हो पाएगी। और बॉईल करने के बाद आप पानी जो है वो हटा देंगे और इसको सूखने देंगे अच्छे से, तब फिर बनाएंगे। बहुत बड़े पीसेस थे इसलिए मैंने इसको हाफ में कर लिया है। और इसको प्रेस कर लेंगे, बहुत जोर से भी प्रेस नहीं करना है कि टूट जाए। देखिए मैंने इसको स्लाइस भी किया हुआ है, बीच में से जो मोटी थी थोड़ी सी थिक थी उनको फिर आप स्लाइस करके प्रेस कर लीजिए। अब मैंने एक पैन लिया है और इसमें ना ऑयल ज़्यादा लगता है। मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनती है। अब मस्टर्ड ऑयल के साथ कुछ और ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं चाहे तो, अगर आपको मस्टर्ड ऑयल का टेस्ट इतना ज़्यादा नहीं जमता है। और अभी समर्स में तो थोड़ा मस्टर्ड ऑयल अवॉइड ही करते हैं, लेकिन विंटर्स में अगर आप ये बनाते हैं वेजिटेबल तो सरसों और मस्टर्ड में बहुत ही अच्छा इसका आता है, एक तीखा सा स्वाद भी आता है जो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो अभी ये ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये बहुत जल्दी पैन में लग जाएगी, चिपक जाएगी ये सब्जी, इसलिए आप अच्छे से ऑयल लीजिए। और इसमें मैंने 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई, 1 चम्मच अजवाइन और थोड़ी सी हींग ये डाली है। बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ मैं। अच्छे से गर्म हो जाता है जब ऑयल, तब आप इसमें अरबी डालेंगे। वो भी आपको सारी एक साथ नहीं डालनी है, एक 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 करके डालनी है। और सिम पर कर देना है आपको फ्लेम को। देख रहे हैं आप, मैंने इसमें डाली हैं धीरे 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 करके, सारी डाल चुकी हूँ। अब इनको ज़्यादा हिलाने की कोशिश नहीं करनी है थोड़ी देर तक। इस सब्जी को बनाने में 20 मिनट कम से कम लगते हैं, 20 मिनट्स, तो आप अच्छे से टाइम लेके बनाएं। इसमें पेशेंस रखना पड़ता है, अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो ये बिगड़ जाएगी सब्जी पूरी। तो इसमें आप पेशेंटली, आप धीरे धीरे देखिए कि थोड़े पीसेस जो ऑयल में अच्छे से थोड़े रोस्ट हो चुके हैं उनको आप साइड करते जाइए, और जो रोस्ट नहीं हुए हैं अभी उनको थोड़ा बीच में डालते जाइए इस तरह से। अब नॉन स्टिक पैन में मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि नॉन स्टिक पैन में वो टेक्स्चर नहीं आ पाता है सब्जी का,
तो मुझे इसमें ही बनाने की हैबिट है और इसमें टेक्सचर भी अच्छा आता है सिंपल कढ़ाई में, इसी वजह से इसमें थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है। देखते हैं आप, मैं एक 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 थोड़ा तीखा चम्मच लीजिए, शार्प वाला जो स्पून होता है ना वो चाहिएगा इसमें, ये नहीं तो आप छोटा एक चम्मच लेके एक एक को पलट सकते हैं। इसमें ऐसा ही है कि आपको इनको एक एक पीस को रोस्ट करना है अच्छे से, और ये धीरे धीरे ऑयल जो है ना पूरा ख़त्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा ऑयल कहाँ गया। अगर आप ऑयल नहीं डालेंगे ज़्यादा तो जब सब्जी बनने के बाद आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, अंदर एकदम वो ऐसे एकदम स्टिकी सी रहेगी। और इसमें सॉल्ट भी ज़्यादा लगता है सब्जी में, और इसमें तीखा भी रखेंगे तो ज़्यादा स्वाद लगेगा, थोड़ा चिली पाउडर भी ज़्यादा लगेगा इसमें। आप देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी रोस्ट हो चुकी है, तब मैंने इसमें नमक डाला है, पहले से नहीं डालना है, जो अपने बॉईल करते टाइम डाला था ना एक चम्मच, और अभी बनाते टाइम इसलिए नहीं डाला, नहीं तो वो पानी छोड़ता। अभी थोड़ी जब रोस्ट हो गई, जब हमने नमक डाला है, हल्दी डाली है एक चम्मच, टर्मरिक पाउडर, और अब हम इसमें चिली पाउडर डालेंगे आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। और जैसे बच्चे कम खाते हैं ना मिर्च, तो आप कम डाल दीजिए और बाद में अपने लिए और ऐड कर सकते हैं ना। अब मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ, मैंने इसमें गरम मसाला नहीं डाला है, पर आप डाल सकते हैं गरम मसाला भी। ये थोड़ा हैवी होती है सब्जी पचाने में मेटाबॉलिज्म के लिए, तो इस फाइबर तो बहुत है लेकिन फिर भी इसमें हैवीनेस रहता है, इसीलिए इसमें हींग और ये सारी चीज़ें डालते हैं। चाहें तो आप सौंफ पाउडर भी डाल सकते हैं। ये अच्छे से भुन जाएगी इस तरह से धीरे धीरे पलट पलट के। अब आधी रोस्ट हो चुकी है तो अब ये पलटने में भी आसानी से पलट रही है। देखिए कितनी सुंदर सब्जी बन चुकी है, और इसे इंजॉय कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये सब्जी कैसी लगी, आपने बनाकर देखी, क्या आप बनाते हैं ऑलरेडी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।